दोस्तों, क्या आपके भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में कुछ इस तरह से इधर एक फ़ोटो दिख रहा होगा, उसमें एक जीरो लिखा हुआ है सर्किल टाइप का और कलरफुल है? क्या ऐसा फ़ोटो आपके पास भी आ रहा है? तो दोस्तों, अगर उसको हटाना चाह रहे हो तो वो नहीं हट रहा होगा, उसको हटाने का क्या तरीका है, हटेगा कि नहीं हटेगा, उससे रिलेटेड जानकारी दूंगा। अगर वो ऑप्शन अगर आप में आ गया है तो उसका यूज़ कैसे करना है, अगर नहीं आया है, अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे वो ऑप्शन है सो ला सकते हैं, वो सभी चीज़ का जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये जो अपडेट है, पहले फेसबुक पर आया था, फिर इंस्टाग्राम पर आया है, और उसके बाद अब व्हाट्सएप पर भी देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका यूज़ पूरा मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको कैसे लाना है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जो जानकारी है उसको मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, इसका यूज़ कैसे करना है। मैं अपना व्हाट्सअप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो व्हाट्सअप को ओपन कीजिए। व्हाट्सअप को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्किल है, ये भी कलरफुल, जिसके बारे में चर्चा हो रही है। तो इस पे जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा जा रहा है कि आस्क मेटा AI एनी। तो आप किसी पे भी क्लिक करके इसको एक्टिव कर सकते हैं। आप यहाँ पे हाई भी लिखकर यहाँ पे चाहे तो इसको एक्टिव कर सकते हैं, जो भी चाहे। ऐसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर किसी पे टच करके दिखाते हैं, तो अगर हम डॉग वीडियो पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारा वीडियो आ गया है, और ये जो वीडियो है इंस्टाग्राम पे से आया है। जैसे मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, हमको इंस्टाग्राम पे लेकर चला गया और इंस्टाग्राम का वीडियो दिखा रहा है। तो ये है, सो एक तरह से समझिए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो भी वीडियो है उसके तरह से जानकारी, अगर गूगल पे कुछ जानकारी है तो वहाँ से आपको लेकर दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे गूगल के बारे में बता देते हैं कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पटना सर्च करता हूँ या कोई भी स्टेट सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं गुजरात सर्च कर दिखाता हूँ। देखिए गुजरात लिखा, और गुजरात लिखने के बाद मैं इस पर सर्च किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए गुजरात के बारे में यहाँ पे पूरा चीज़ बता देगा। उसके बाद बताने के बाद यहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब बताएगा। यहाँ पे पूरा चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोकेशन का यूज़ करना चाहते हैं कि कोई भी होटल का नाम या सब सर्च करना चाहते हैं तो भी सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं गांधी मैदान जैसे पटना में है उसके बारे में मैं सर्च करके दिखाता हूँ। गांधी मैदान पटना इतना सर्च कीजिएगा तो इससे रिलेटेड भी आपको जानकारी आ जाएगा कि गांधी मैदान पटना में कहाँ पे है, उससे रिलेटेड जानकारी आएगा, लोकेशन आ जाएगा। क्योंकि ये मैं पहले ही ट्राई करके मैं चेक किया था ये सब कि किस तरह से वर्क करता है, उसके बाद में मुझे आपको बताना होता है तो पूरा अच्छा से जानकारी देना होगा, तभी तो आप वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसलिए मैं पहले से ही जानकारी ये सब इकट्ठा करके आया हूँ। उसके बाद आप जो भी इस पर सर्च करना चाहें उसी तरह से इस पर सर्च कर सकते हैं। कोई इमोजी चाहे तो इमोजी को सर्च कर सकते हैं। देखिए इमोजी, इमोजी यहाँ पे लिखिएगा। इमोजी लिखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इमोजी से रिलेटेड यहाँ पे जानकारी आ गया है। ठीक है, और भी कुछ यहाँ पे सर्च करना चाहे, जैसे कि यहाँ पे देखिए कोई भी इमोजी है, अगर इस पर अगर हम क्लिक करके अगर इसको हम सेंड करते हैं, तो इसको सेंड करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे देखिए इसका मतलब यहाँ पे लिख रहा है नाइस वन बैक एट यू, इस तरह से इसके बारे में लिख रहा है। और भी इमोजी है, उसके बारे में अगर कुछ चाहते हैं जानकारी तो इसके बारे में भी आप क्लिक करके यहाँ पे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं जो जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पे किसी के बारे में सर्च कर सकते हैं। कि यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, इसको मैं सर्च करता हूँ, तो इसको मैं सर्च करूँगा, इससे रिलेटेड यहाँ पे जो भी विकिपीडिया पे लिखा गया है इसके बारे में वो सब यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आ गया है, पूरा चीज़ आ गया है। अब जिसके बारे में जो चीज़ सर्च करना चाहते हैं मेटा AI के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। एक सर्च इंजन है जो कि AI के माध्यम से काम करता है एक तरह से। यहाँ पे आपको बहुत ही टाइम बचा सकता है, आपको गूगल पे जाकर सर्च करने का ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे भी है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पर भी है, आप तुरंत ही कोई भी चीज़ का जानकारी ले सकते हैं। सेम इसी तरह से वर्क करेगा फेसबुक का। देखिए यहाँ पे मैं फेसबुक पे जाता हूँ। देखिए मैं फेसबुक ओपन किया हूँ। फेसबुक ओपन करने के बाद यहाँ पे मैसेंजर है, मैसेंजर पे जाकर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ भी देखिए यहाँ पे AI आ चुका है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए AI पे मैं यहाँ पे हल्का सा सर्च करके देखा था, तो यहाँ पर भी काम सेम उसी तरह से कर रहा है। आपके सामने में यहाँ पे मैं सर्च करके देखता हूँ कि मेटा AI का यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे हाउ टू यूज़ मेटा AI मैं लिखा हूँ। उसके बाद लिखने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए। वेट करने के बाद यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दे देगा कि इसके यूज़ कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे इसके बारे में बोला है, बहुत सारी चीज़ बोला है। जैसे कि यहाँ पे बोला है आस्क क्वेश्चन, आप इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेक्स्ट को जनरेट करवा सकते हैं, यहाँ पे आप इसके साथ चैट कर सकते हैं, इसके पास कोई सजेशन चाहिए मूवी है सबसे रिलेटेड, कि ट्रेवल से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, कोई डिस्टिनेशन है, कोई भी डिस्टिनेशन है उसके बारे में भी जानकारी दे सकता है। अगर लैंग्वेज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको काम करेगा। जनरेट आइडिया, अगर कोई चीज़ का आइडिया लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपके साथ वर्क करेगा। कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके आपका सजेशन भी मिल जाएगा यहाँ से। और कोई भी कॉम्प्लेक्स जैसे कॉन्सेप्ट है तो उसको भी ये शॉर्ट करके आपको समझाएगा, अपने तरफ से समझाएगा, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कोई भी देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि राइटिंग असिस्टेंस है, रिसर्च है,
ब्रेन स्ट्रोमिंग है, ये सब है, लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट है। इस तरह से यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपको जानकारी लेना है तो यहाँ पे चैट करके माध्यम से आप यहाँ पे बहुत सी चीज़ का जानकारी ले सकते हैं। ये व्हाट्सअप पे भी है, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, सभी सब जगह इसी तरह से है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसका यूज़ करना, तो अगर आपके जैसे व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अभी नहीं आया है, तो यहाँ पे आप प्ले स्टोर पे जाइएगा। प्ले स्टोर पे जाने के बाद मैं तो अपडेट किया था, उसके बाद मुझे देखने के लिए मिला ये ऑप्शन। यहाँ पे मैनेज ऐप पे जाइएगा, मैनेज ऐप पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए अपडेट अवेलेबल पे जाइएगा। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे मेरे में अपडेट आया हुआ है। तब मैं यहाँ पे पहले तो इंस्टाग्राम व्हाट्सअप को मार चुका हूँ अपडेट, तो यहाँ पे आ गया था ऑप्शन। फेसबुक में भी आया हुआ है ऑप्शन जो अभी आपको दिखा दिया हूँ, लेकिन दूसरा अपडेट आ चुका है तो मैं इसको भी अपडेट कर दे रहा हूँ। और आप में भी अगर है अपडेट मारना है तो आप अपडेट मार दीजिए, उसके बाद ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ये ऑप्शन आ जाता है, अगर आप चाहते हैं कि इस ऑप्शन को हटाना, क्योंकि YouTube पे बहुत सारा वीडियो ऐसा है कि आपको इसको हटाने का तरीका भी दिखा रहा है कि जो ये मेटा AI का जो ऑप्शन आपको मिला है इसको कैसे हटाएं, ये भी आपको बताया जा रहा है। तो मेटा AI जैसे हम भी हटाने के लिए कोशिश किए थे लेकिन नहीं हटता है, और वही मैं देखा कि आप लोग को जैसे झूठी खबर आपको पहुँचाया जा रहा है, तो उसी को मैं चेक करने के लिए मैं सब करके देखा था पहले, और उसके बाद मैं पूरे अच्छे से आपको जानकारी दे दिया हूँ। और इसको जैसे डिलीट कीजिएगा, देखिए यहाँ पे मैं इतना चैट कर चुका हूँ, इसको डिलीट करने के बाद सोचिएगा कि ये है सो डिलीट हो गया। यहाँ पे देखिए अगर डिलीट करना चाहे सोचिएगा डिलीट हो गया, तो बस यहाँ पे तो रहेगा ही। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा फिर से न्यू टाइप से उसी तरह से आपको देखने के लिए पूरा चीज़ मिल जाएगा। तो ये डिलीट नहीं होता है, और इसके साथ जो भी चैट करना चाहे चैट कर सकते हैं। और दोस्तों ये है सो हेल्पफुल है, इसको हटाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको जैसे भी चाहे अपने अनुसार आप इसका यूज कर सकते हैं और जानकारी इससे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेटा AI ये जो है, इससे रिलेटेड मैं पूरी जानकारी दे दिया हूँ। और वीडियो में अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं कि क्या चीज़ का दिक्कत है, क्या चीज़ गलती हुई है, उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।